गुड आफ्टरनून क्लास सिविल सेकेंड ईयर। आज हम अपना अप्लाइड मैकेनिक्स में नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे, जो कि क्या है, लामीज थ्योरम, लामी की प्रमेय। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट थ्योरम है, हर बार क्वेश्चंस इसमें ज़रूर आते हैं। तो ये क्या, इसका स्टेटमेंट क्या है? इसमें ये स्टेटमेंट है कि अगर कोई एक पॉइंट पर, सिंगल पॉइंट पर अगर दो या मतलब तीन बल एक साथ कार्य कर रहे हैं, ठीक है, थ्री फोर्सेस एक साथ कार्य कर रहे हैं, तो उन जो हर एक बल बाकी दो बलों के बीच में जो साइन, उनके बीच का जो एंगल होता है उसके समानुपाती होगा, साइन के समानुपाती होगा, ठीक है। तो ये है, और इसको हम नेक्स्ट तरीके से ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो जैसे इसकी आपने देखेंगे कि इफ़ थ्री कोप्लैनर फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट इन अ बॉडी आर इन इक्विलिब्रियम, मतलब वो क्या है, आपस में बराबर अगर इक्विलिब्रियम में है, देन ईच फोर्स इज़ प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेस, ठीक है। तो ये चीज़ इसका स्टेटमेंट है। तो इसके बाद आप देख रहे हैं कि माना कि इस किसी एक पॉइंट पे हमारे तीन बल लगे हुए हैं, जैसे ये ओ पॉइंट है, इसमें पी क्यू आर तीन फोर्सेस लगे हुए हैं, आप लोग देख रहे हैं जैसे कि डायग्राम से। तो हमने इसे एक वो दे दिया है, क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम का डायग्राम पूरा बना दिया है। अब देख रहे हैं कि जो इनके बीच का एंगल है, जैसे पी अपॉन साइन अल्फ़ा, पी इस साइड को लग रहा है तो उसके अपोजिट क्या एंगल है, साइन अल्फ़ा, और क्यू के अपोजिट क्या है, साइन बीटा, और आर के अपोजिट साइन गामा। तो इससे हमें एक मिल जाती है इक्वेशन, पी अपॉन साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू क्यू अपॉन साइन बीटा इक्वल्स टू आर अपॉन साइन अल्फ़ा। तो इसके बाद अब हमारी ये हमें एक इक्वेशन मिल गई, मतलब कि एक फॉर्मूला मिल गया, इसके ये प्रूफ है, प्रूफ इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसे एक बार देख लीजिएगा। और इसका कन्वर्स भी आता है, हमें ज़्यादातर कभी कभी पूछ लिया जाता है कि लामी का प्रमेय का विलोम क्या है, इसका उल्टा क्या होगा, ठीक है। तो ये वो ये बताता है कि किसी बिंदु पर कार्य कर रहे तीन बल यदि इस प्रकार हैं कि प्रत्येक बल शेष दो बलों के बीच के कोण की साइन के समानुपाती हैं, तो तीनों बल, अब ये चीज़ उल्टा भी हो गया कि उसने क्या कहा कि अगर वो तीनों एक किसी एक पॉइंट पर लग रखे हैं और उनके बीच के कोण साइन के मतलब प्रोपोर्शनल हैं या समानुपाती हैं, तो वो आपस में क्या होंगे, इक्वल भी होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन आता है कि इसमें बताया कि 90 न्यूटन की एक वस्तु भारहीन भागों के सहारे लटकी है और भागों की लंबाई 5 मीटर तथा 12 मीटर है, ठीक है। उसने आप दो डिस्टेंस दे दिए हैं, दोनों भागों के क्षैतिज दोनों बिंदुओं पर बंधे हैं जिसके बीच की दूरी 13 मीटर है। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे से बंधे हुए हैं जो कि 13 मीटर लंबा है। अब एक डिस्टेंस, तीनों डिस्टेंस हमें पता चल गई, 12, 5 और 13। तो भागों में तनाव ज्ञात कीजिए, वो कहते हैं कि कितना तनाव लगा हुआ है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि एंगल का समकोण होना, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया इसमें, इसमें सारे के सारे अगर एंगल हैं तो एंगल ए सी बी में ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर। तो ए बी की वैल्यू रखी, बी सी की वैल्यू रखी प्लस सी ए की वैल्यू रखी, तो हमारा 169 आ गया, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि मान ले भागों में तनाव जो ए सी है उसमें टी वन लग रहा है, सी बी में टी टू और ए सी में टी थ्री, ठीक। तो ऊर्ध्वाधर इसका जो एंगल ले लिया वो हमने थीटा ले लिया, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, इसका इसमें लामी है, जो लामी थ्योरम है वो लगाने में आसानी हो जाएगी। तो हमने लामी थ्योरम लगाई तो एक हमें एंगल क्या मिल गया, 90 डिग्री मिल गया, साइन ए सी बी इक्वस टू टी वन साइन बी सी डी इक्वस टू टी टी टू साइन ए सी डी। उसके बाद हमने 90 साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, जैसा हमें सबसे पता है। और बी सी डी को हम क्या कहेंगे, 90 प्लस थीटा, जैसा कि हमें डायग्राम में दिख रहा है। और जो टी टू साइन ए सी डी है वो है 180 माइनस थीटा, ठीक है। इस चीज़ को इसके बाद हम इसे सॉल्व करते हैं, तो 90 प्लस थीटा क्या हो जाता है, कॉस थीटा हो जाता है, और साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा ही होता है। तो इसको हमने टी वन और टी टू की यहाँ से वैल्यू मिल गई। एक बार हमने टी वन
साइन कॉस थीटा, टी वन अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू 90 रखा, एक बार टी टू अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू 90 रखा, दोनों को एक एक बार इक्वल रखेंगे तो हमें टी वन और टी टू की वैल्यू पता चल जाएगी। तो जो डायग्राम के अनुसार ए बी डी है वो थीटा है, ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 5/13 और कॉस थीटा की वैल्यू भी निकल गई, तो टी वन टी टू की भी वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है, उसे भी हमने इसी तरीके से करा, लामीज़ थ्योरम रखी, उसमें सीधे सीधे उसमें से टी वन टी टू की वैल्यू निकाली और टी वन टी टू की वैल्यू निकाल के फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो इसी तरीके से हम अब नेक्स्ट क्लास में इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस कुछ करेंगे, तब तक थैंक यू।